negative effects of social media that can harm your life. फर्स्ट रिड्यूसेस फेस टू फेस इंट्रैक्शन। इसको मैं आपको एक फ़ोटो से समझाता हूँ। इस फोटो को देखिए, ये चारों दोस्त बैठे तो एक साथ है, लेकिन आपस में बातचीत करने के बजाय ये सोशल मीडिया पे बातचीत कर रहे हैं। तो आप लोग कहोगे इसमें क्या खराबी है, तो ये फ़ोटो को देखिए आप और दोनों को कंपेयर करके बताइए कौन से सिचुएशन में फ्रेंडशिप बॉन्डिंग बढ़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा था रिड्यूसेस फेस टू फेस इंट्रैक्शन। आमने सामने की बातचीत को कम करना, ये फर्स्ट बैड इफेक्ट है सोशल मीडिया का। सेकेंड, डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम योर लाइफ गोल्स। ये बात तो सच है कि सोशल मीडिया लाइफ गोल्स से डिस्ट्रैक्ट करता है। इसको भी मैं आपको एक फ़ोटो से समझाऊंगा। इस फोटो को देखिए, आपको क्या समझ में आ रहा है इस फोटो से? अगर कोई आदमी अपना दिन का 7 से 8 घंटा सोशल मीडिया पे देगा तो क्या खाक जिएगा और फोकस कहाँ करेगा आज में? ये सेकेंड बैड इफेक्ट है सोशल मीडिया का। थर्ड बैड इफेक्ट तो सबसे खराब है, फीलिंग लॉनलीनेस, अकेलापन महसूस करना। जब आपका अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड फैमिली मेंबर्स से इंट्रैक्शन घटता चला जाएगा और आप अपने लाइफ गोल से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो आपको अकेलापन महसूस होगा ही। ये सब बैड इफेक्ट्स ना सिर्फ आपके मेंटल हेल्थ पर असर करता है बल्कि आपके फिजिकल हेल्थ को भी बिगाड़ देगा। ये सब तो हो गए बैड इफेक्ट्स, लेकिन इसके अलावा सोशल मीडिया के बहुत से एडवांटेजेस भी हैं। आखिर मेरा वीडियो भी आप तक ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही पहुँचा है। अगर आपको जानना है कि ये सारे बैड इफ़ेक्ट्स से कैसे बचे तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।